इसिका बेटी ला और आकाश सोनी ला और आकाश सोनी के तो हम लाऊ बढ़िया लागे से। हाँ, जो फिल्म के डायरेक्टर है बोला भी कुछ कैसा किया था बोल सका था। तब डायरेक्टर ले कैसे नहीं बोलूंगा, वो तो बढ़िया बनाई छे फीचर ला। मतलब बताई के शादी हो या मरनी हो, बड़ा है नेंग बिना पूरा नहीं हो, एकदम मतलब रियलिटी बताई साहब। मतलब बोला मैं ढेर सारा आशीर्वाद दूँ और प्यार दूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करूँ। और आकाश सोनी जी भी बहुत जबरदस्त अभिनेता है हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के। इशिका तो नो डाउट एकदम सुपरस्टार है, मैं तो अभी ले वाला सुपरस्टार घोषित कर दे हो। इसलिए भी ज्यादा अच्छा हुआ कि जितना भी छत्तीसगढ़ी पिक्चर है उससे एकदम हट के। हाँ, तो जो इशिका है वो ननंद है, बहुत अच्छा काम करे है। जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मन भी है, बहुत अच्छा मूवी बना है। कब की छत्तीसगढ़ में मतलब एक पहली रियल स्टोरी मूवी है। तो की एक सत्य घटना। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, संगवारी हो। आज हमन नवा बिहान फिल्म जो कि 11 नवंबर के लगा था, निहारका टाकी जाए हैं पब्लिक रिव्यू ले वा। और ये फिल्म आप मन देख सका था, इसिका यादव है, आकाश सोनी है ना, और रवि साहू है। और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट में ये मूवी आए हवे, नक्सली बेस्ड मूवी है। वह लव स्टोरी भी दिखेल मिली, आप मन नक्सली मन कैसे अपन काम करते वो सब भी मूवी में दर्शाए गए है। तब मूवी ला पूरा देखे के बाद जो जनता के रिव्यू है, पब्लिक रिव्यू आप मन ला बताबो। तो बने रहिए हमारे साथ, हमन आ चुके हैं निहारका टाकीज कोरबा में। और आपने एक बार जनता मन के भीड़ देख सका था, लगभग हाउसफुल हो चुके हैं निहारका टाकीज। हाँ, आपो मन यहाँ निहारका टाकीज या चित्रा टाकीज कोरबा के जनता मन पहुँचा। और जो भी छत्तीसगढ़ के बाहर बाहर हवा, मन छत्तीसगढ़ में अपन जो भी जिला में हवा, अपन नजदीकी सिनेमाघर में जावा। 11 तब संगवारी हो नवा बिहान फिल्म ने देख के जनता मन निकला था भाई। पहला दिन पहला शो देख के जो भी जनता आता मन कर जान दो कैसे लगे इस पिक्चर मन ला। तभी आप मतलब कैसे लगे इस पिक्चर? फिल्म अच्छा लगे। स्टोरी स्टोरी सब गाना ना सब अच्छा। ताड़ू मत ताड़ू फाड़ू मूवी है, पैसा वसूले ताड़ू ठीक। आप मन बता सकते हैं कैसा लगी पिक्चर? आप मन अच्छा गाना ना। अब फिल्म की लोकेशन जो एक्शन एक्शन दिखाई सब बढ़िया से दोबारा देखे आ सके जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। पिक्चर जो इसिका यादव पहला मूवी है, काम कैसे रही साहब? बहुत बढ़िया। और हीरो के? हीरो भी बढ़िया है। और फिल्म की स्टोरी अपन समझ में पूरा समझ में आ गई? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इसिका यादव जो हीरोइन है फिल्म के, ओकर पिताजी है, तो बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। आप मन लग कैसे महसूस होता थोड़ा बता दो। पुलिस वालों के साथ मुठभेड़ कैसे होना है, सत्य घटना पे आधारित एक फिल्म है जिसको हर एक इंसान को देखना चाहिए, समझना चाहिए। बस्तर के संस्कृति, कल्चर, रहन सहन, वेशभूषा सभी के बारे में दिखाए गए, हर इंसान को देखना चाहिए। तो एक अपील कर सकते हैं आप कोरबा के जनता को कि जिन लोग को मूवी बिल्कुल सभी लोग ये पिक्चर देखना चाहिए, सत्य घटना के आधारित पे पिक्चर बना हुआ है, हर एक इंसान को देखना चाहिए, समझना चाहिए। अच्छा, हम लोग तो जा नहीं पाते हैं बस्तर जिला, है ना, तो वहाँ के जो रहन सहन बेसिकली जो लोकल एरिया का है उसको अच्छा से बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। अच्छा, सबको समझना चाहिए, देखना चाहिए। अच्छा, है ना, जा नहीं सकते तो कम से कम पिक्चर के माध्यम से। पिक्चर के माध्यम। तो ये इसिका यादव जो हीरोइन है फिल्म के, होकर पिताजी, और ये अपील करते थे कि एक बार मूवी ला जरूर देखे आओ। पैसा वसूले मूवी है, मूवी की स्टोरी एकदम सत्य घटना पे आधारित है और फिल्म की स्टोरी बहुत ही सुंदर है। तो आप मन एक बार कोरबा की जनता तो बोले हा, आप मन ला पर्सनल हम जानना चाहबो कि आप मन के बेटी इतना बड़े मुकाम में पहुँचा था अभी, तो ओकर आप मन ला का खुशी होते, का महसूस होते, एक बता सका था कि अभी एक देखन हमने एक चीज़ क्वेश्चन इच में कर रहे थे, एक साथ जवाब दिया। लड़की मन ला बहुत ज़्यादा घर में छत्तीसगढ़ के मन आगे बढ़े नहीं दे, तो आप एक प्रेरणा स्रोत अपन बेटी के लिए और बहुत सारा जनता मन के लिए। एक तो बचपन से वो चुलबुली लड़की, हमेशा स्कूल से लेके अभी तक बचपन से डांस प्रतियोगिता में भाग लेना, हमेशा आगे जाने के इच्छा रखना, जाहिर पैदा करना, है ना, एकर वजह से वो आगे जाते आगे जाते। तो बहुत खुशी महसूस होता ना? मतलब खुशी तो महसूस होने ही आना है। ठीक है ना, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आप। मतलब तो संगवारी हो, अब इसिका यादव के जो भाभी है वो मन से हमन बात करबो को, मतलब कैसे पिक्चर लगी साहब मन बता सकता?
जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मल्ला बहुत अच्छा मूवी है जो इशिका है उमर ननंद है बहुत अच्छा काम करे है जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मन भी है उमर बहुत अच्छा मूवी बना है कब की छत्तीसगढ़ में मतलब एक पहली रियल स्टोरी मूवी है तो आगे और भी ऐसा मूवी बने और बहुत अच्छा लगे। हाँ, एक अच्छा अलग हट के नया जौहर के मूवी है तो बहुत सुंदर बने। आप मन कुछ कहना चाहिए अपन बेटी इशिका यादव के बारे में? बोल दो, गाना आना अच्छा लगी सामान? हाँ, गाना फिल्म की स्टोरी पूरा एकदम प्रॉपर सही लगी सामान? हाँ, अच्छा, अच्छा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप मतलब। तो अभी अमन आंटी डायमंड से जानबो के पिक्चर कैसे लगी साहब मान ला? एकदम मस्त, एकदम मस्त। इससे क्या याद आप मन के फैमिली के? हाँ। तो अगर काम कैसे लगा था आप मतलब पहली बार फिल्म में काम करते? पहली बार फिल्म में काम करी से पिक्चर में मतलब बढ़िया लगी और फिल्म सत्य घटना पर आधारित है एकदम स्टोरी आप मतलब रियलिटी महसूस हुई इस फिल्म में? अच्छा, आप मन कुछ कहना चाहिए तो बोल सकते हैं आप मन के इसी का बेटी ला और आकाश सोनी ला? आकाश सोनी के तो हम लाऊ बढ़िया लागे से। हाँ, जो फिल्म के डायरेक्टर है ओला भी कुछ कह सके तो बोल सकते हैं? डायरेक्टर ला कैसे नहीं बोलूंगा, वो तो बढ़िया बनाई छे पिक्चर ला था। अच्छा, फिल्म में आप मतलब नानी के कैरेक्टर है कैसे लगी? नानी के तो बढ़िया लगी सब छत्तीसगढ़िया पिक्चर में नानी से ही मतलब रखते बच्चा ना। हाँ। एकदम, और जैसे वो बड़ा वाला भी बात बताई कि शादी हो या मरनी हो बड़ा नेंग बिना पूरा नहीं हो। हाँ। एकदम मतलब रियलिटी बताई आप मतलब। तो स्टार्टिंग मतलब जो पहला हाफ में कहानी ले पिरोई से अबे मतलब पूछा। हाँ, स्टार्टिंग में जो कहानी ले पिरोई से आप मतलब ऐसे कहीं लेके कहूँ मेरे बोर और थोड़ी फील करे? नहीं नहीं, बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ है। अच्छा, और ये पिक्चर इसलिए भी ज्यादा अच्छा हुआ की जितना भी छत्तीसगढ़ी पिक्चर है उससे एकदम हट के। हाँ, पूरा तो है ना, और पूरा मतलब बस्तर के उसमें नक्सलियों के असलियत को दिखाया गया है। हाँ। और खैर कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है, शुरुआत है कहना चाहिए है। तो दोबारा आओगे देखने अभी? हाँ, हाँ, जरूर। एक बार अपील कर सकते हैं हमारे कोरबक जनता को आपके? हाँ, क्यों नहीं आइएगा जरूर, बहुत अच्छी पिक्चर है, सभी से निवेदन है। हाँ। हमारी बेटी का पिक्चर जरूर देखिएगा जी, और उनको आशीर्वाद दीजिए है ना, और क्या कह सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो आप मनला ये फिल्म के बहुत बड़े फैन एक जन और एकर साथ मतलब जो दीदी हमारे साथ ओकर साथ बहुत सारे मैं जो किरदार है कैरेक्टर है वो मन बहुत सारा काम कर चुके हैं आप मन के साथ। तो सबसे पहले आप मन बता सकते हैं मूवी के बारे में कैसे लगी? सबसे पहले तो आप सबको जनता जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ आप मन के दोस्त दीपा महंत और मैं भी एक छत्तीसगढ़िया कलाकार हूँ। आप मन मोला द एडीएम शो के यूट्यूब चैनल में देख सकता था मोरो वीडियो ला, और मैं भी चार फिल्म में काम कर चुकी हूँ बतौर चरित्र अभिनेत्री, जेमा मोर फर्स्ट फिल्म है बेनाम बादशाह। और एमा जो मेन जो लीड करे हैं हमार कोरबा की बेटी इशिका यादव, बोला मैं ढेर सारा आशीर्वाद दूँ और प्यार दूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करूँ। और आकाश सोनी जी भी बहुत जबरदस्त अभिनेता है हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के। इशिका तो नो डाउट एकदम सुपर स्टार है, मैं तो अभी ले बोला सुपर स्टार घोषित कर दे हो। और जहाँ तक कि एमा उपासना दीदी है और बहुत से मंझे हुए कलाकार हैं, सब सीनियर हैं हमारे सीनियर आर्टिस्ट। सबसे बेस्ट नानी, नानी सबसे बेहतर नानी के कैरेक्टर में हमारे भानुमति कोसरे मैडम जी हैं, और माँ के किरदार में तो सब कौशल्या माता के रूप में ही हमारे उपासना दीदी है। तो सब कैरेक्टर सब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करी, अपन अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दी है सब ला। ये नवा बिहान फिल्म के पूरा टीम ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई। श्रेया महन के बारे में कहा कही? हाँ, श्रेया हा द एडीएम शो के जान है और वो हमोर बेटी है और मोर बहू भी है और सबसे सबसे ज्यादा मतलब बोले जाए तो मोर दिल के बहुत करीब है, छोटे बहन है। ओकरो पहला फिल्म और ओकर ओकर ये पहला फिल्म है। हाँ। ओहुला भी मैं ढेर सारा आशीर्वाद दू, ओकर भी उज्जवल भविष्य की कामना करत हूँ, और वो भी आज सेकंड लीड में देखा था, कल वाला लीड में देखो, ये मोर शुभकामना। रवि भी एक बारे में बोल सकता था अपन? रवि सर भी नो डाउट हो तो जबरदस्त एक्टर है भाई, ओकर स्मार्टनेस तो एकदम जबरदस्त है। हाँ। और जे किरदार वाला दिए गए है एकदम सिलेक्ट करके एकदम चुन के जो मैं परफेक्ट हो मैं खड़ा होते हूँ। अच्छा। तो पूरा टीम है नवा बिहान के जिला, मैं बहुत आशीर्वाद दू कि आगे भी वो बहुत ही बेहतरीन इसने फिल्म लेकर आते रहे। और ये फिल्म बहुत ही अच्छा एकदम पारिवारिक है, कॉमेडी है, और नक्सलवाद के लिए जो टॉपिक जो सिलेक्ट करके बनाए गए है एकर लिए निर्माता निर्देशक जिला बहुत बहुत बधाई। आप मन कितना स्टार देना चाहिए?
मैं तो ये मतलब है फाइव स्टार फाइव में फाइव स्टार अच्छा। और ये तो ये फिल्म तो सुपर डुपर हिट है, आप मन सब आओ ये फिल्म ला देखो और मया दुलार आशीर्वाद दो जम्मो कलाकार मल्ला। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आप मन का। धन्यवाद। साथ ही साथ भाई प्रकाश मीरी जी के चैनल ला सब्सक्राइब करो, जो बहुत ही अच्छा मतलब आप मन तक इतना अच्छा अच्छा जानकारी पहुँचाते है ना। और आप मन इला भाई ला भी अपन सपोर्ट करो, आशीर्वाद दो। और सबसे ज़्यादा तो एक यूट्यूबर के लिए ये बहुत बड़ी बात रहती है कि आप मन ओकर वीडियो ला देखो और चैनल ला सब्सक्राइब करो है ना, और वीडियो मन ला शेयर करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप मन ला भी बहुत अच्छा काम कर रहा था, आप मन के भी भविष्य उज्ज्वल हो यही कामना कर रहा था। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो ये इशिका यादव जो फिल्म के हीरोइन है ओकर मम्मी जी है, तो आप मन अपन बेटी के लिए दो शब्द बोल सकते हैं पिक्चर कैसे कैसे ओकर काम है? पिक्चर बहुत अच्छा लगी से, बढ़िया काम करे है। हाँ, ओकर संग मकासुनी भी अच्छा काम करे है, दोनों के अच्छा लगी से। अच्छा, बहुत खुशी मिली से। सबसे पहले तो एक बेटी के लिए इतना बड़े फिल्म में काम करना और इतना बड़े मुकाम में पहुंचना, तो ओकर फीलिंग ला मन जाहिर कर सका था, पूरा छत्तीसगढ़ जनता देखना चाहते कि एक हीरोइन के मम्मी का बोला था अपन बेटी के बारे में। मैं जाहिर नहीं कर सका, उसका खुशी है उसका है, ओकर लिए मोर शब्द नहीं है कि मैं का बोल सका था। अब मोर तरफ से बहुत शुभकामनाएं, मोर बेटी बेटा बहुत आगे बढ़े। तो आंटी आपन देखो ये बचपन से अपन बेटी ला वापे मन पाले है, तो स्टार्टिंग से ही एक्टिंग की फील्ड माना चाहते क्या कुछ करना चाहते? हाँ, बचपन से करो शौक रही से, अपन शौक पूरा कर डाली। अच्छा, तो आप मतलब अभी तो मतलब सातवें आसमान हुई, आप मन के जो फीलिंग हुई खुशी है वो झलका नहीं सका। तो ये रही से इशिका यादव के मम्मी और पापा से भी मिला ना, आप मतलब उमन बहुत ज़्यादा खुश है कि ओकर बेटी है इतना आगे बढ़ा थे और फिल्म में काम करे थे और बहुत ज़्यादा आगे मुकाम पाए। और आपो मन निहारका टाकीज या कोरबा के कोई सभी जगह में हवा आप मन निहारका चित्र में लगे, छत्तीसगढ़ के कोई सभी जिले में हुई, आप मन के नज़दीकी सिनेमा घर में नवा बिहान फिल्म ला देखे जरूर जावा। फिल्म हाँ सत्य घटना में आधारित थे, जो नक्सली बेल्ट जो इलाका रहते वो सबसे कैसे एक आम जनता मन लव स्टोरी ला भी दर्शा के दिखा है आशीष गंजीर सर है। और जो फिल्म में एक से किरदार चाहे वैष्णव मैम होए चाहे रवि भैया होए है ना, तो इतना दमदार कैरेक्टर ला भी निभा है आकाश सोनी इशिका यादव, पूरा एकदम रियलिटी दिखा है मूवी में। कोई भी जगह में ऐसे नहीं लगे कोई ओवर एक्टिंग करे या कोई एकदम अलग हट के किरदार ला निभा है, एकदम रियलिटी बेस में फ्लैट है मूवी, जबरदस्त है, बेहतरीन है, आप मन जरूर देखे आओ। आप मन अपन रेटिंग भी दे सकते हो, ये मोर रेटिंग है 5 out of 5 मूवी ला, आप मन जरूर एक बार देखे आओ, पैसा वसूल है और मूवी की स्टोरी ज़्यादा डिकोड नहीं करो, आप मन जरूर एक बार अपन नज़दीकी सिनेमा घर में आके देखाओ। आप मन ले भी अच्छा लगा थे कैसे लगा थे जरूर आप मन के विचार बताओ नीचे कमेंट करके। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो।